गाइस, मैं हूँ रश्मि एंड वेलकम टू माय चैनल रश्मि की दुनिया। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो, जो मुझे लगता है कि शायद लड़कियों और लेडीज को बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है। बहुत ही अच्छी वीडियो है, आपको बहुत अच्छी लगेगी। कुछ फैशन के अकॉर्डिंग भी चला जाए, कभी कभी लगता है ना, अरे यार ये सारी वीडियोज देख के बोर हो चुके, चलो कुछ फैशन वाली वीडियो लेकर आए। तो बस फैशन से रिलेटेड ही मैं आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ, कुछ सूट की डिज़ाइन। अगर सूट की डिज़ाइन आपको अच्छी लगे और मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मुझे लाइक ज़रूर कर देना एंड शेयर भी करना अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ। क्या पता उनको मेरी डिज़ाइन अच्छी लग जाए, क्या पता जो थोड़ा बहुत मैंने दिमाग लगाया है, क्या पता उनको भी लगे कि हाँ यार चलो कुछ तो बात है। तो बस अगर अपने फ्रेंड लोगों के साथ भी शेयर करना एंड कमेंट करके बताना कि आपको कौन सा वाला सूट की डिज़ाइन ज़्यादा अच्छी लगी है। और जिसने अभी अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, बेल आइकन को हिट भी कर देना। वो किस लिए? क्योंकि मैं जल्दी जल्दी इतनी सारी वीडियोस लेकर आई हूँ, क्या पता आपको बिना बेल आइकन हिट करे नोटिफिकेशन मिले या ना मिले, इससे अच्छा है कि बेल आइकन को हिट कर देना, जल्दी जल्दी आपको नोटिफिकेशन मिलता जाएगा मेरी वीडियोस का, क्योंकि डेली के डेली मैं लाने वाली हूँ आपके लिए बहुत ही अच्छी अच्छी वीडियो। अब आप बोलोगे बहुत हुआ भाई, चुप भी कर और वीडियो को स्टार्ट कर। वैसे यार मुझे भी लग रहा है बहुत ज़्यादा बोल चुकी हूँ मैं, आप करते वीडियो को स्टार्ट, टाइम ना वेस्ट करते हो। फर्स्ट है ये मेरा सूट। ये सारे जो एक दो क्लॉथ्स हैं वो मेरे फ्रेंड ने राजस्थान से भेजे थे, उन्होंने भेजे थे, और क्लॉथ बहुत अच्छे हैं, एकदम सिफॉन वाला जो कपड़ा होता है वो टाइप के हैं। तो अगर इनमें अस्तर लगा के जब सूट सिलाए जाते हैं ना, तो उसकी फिटिंग बहुत अच्छी होती है। तो जितने भी सूट मैं आपको दिखाऊंगी, अगर उसके पिक्चर्स वगैरह होंगे तो मैं पक्का साइड में ज़रूर लगा दूंगी आपको, जिससे आप देख पाओ कि कैसे लग रहे हैं। तो ये जो भी मैं आपको दिखाऊंगी उनमें मैंने अस्तर यूज करा हुआ है, अस्तर के बिना, क्योंकि ये शिफॉन टाइप का कपड़ा था तो अस्तर के बिना नहीं बन सकता है। तो बस मेरे को लगा था कि ये सूट तो सिंपल सा है, इसके नीचे मैंने रेड कलर का मेरे पास ऑलरेडी पैंट था, क्योंकि ज़्यादातर सूट के साथ मैंने या तो रेड मतलब प्लाजो पैंट या लेगिंग्स, तीन ही चीज़ बनवाई हुई है, बहुत ज़्यादा कुछ शरारा या अलग टाइप का कुछ ऐसा नहीं बनवाया हुआ। मेन आती है कि इसकी डिज़ाइन, इसकी स्लिप्स वाले डिज़ाइन, क्योंकि लगता है ना गर्मी में, यार गर्मी में जब बिना स्वेटर के कुछ पहनते मतलब सूट वगैरह पहनते तो लगता है ना कि हमारी ये स्लिप्स की डिज़ाइन दिखे, हमारा फ्रंट दिखे, बैक दिखे, फ्रंट वाला गला, पीछे का गला। तो बस वही, तो मैंने जब इसमें डिज़ाइन बनवाई है कुछ इस टाइप की, मैं क्लोज से भी दिखा दूंगी अगर आपको दिख पाएगी क्लियर, तो इस टाइप की है। यार शोल्डर से इन्होंने ये कट दिया हुआ है, और मैं बता दूँ ये मैंने किसी बुटीक पर नहीं, नॉर्मल टेलर पर बनवाया हुआ है, लेकिन बहुत अच्छा उन्होंने बनाया हुआ है। तो यहाँ शोल्डर तक तो ये नॉर्मल जो होता है शोल्डर लेस होता है, शोल्डर के बाद यहाँ पर जब स्लिप्स अटैच होती है तो यहाँ पर उन्होंने एक राउंड टाइप का कट दे दिया है। बैक एकदम नॉर्मल बनवाया हुआ है, मैं बहुत ज़्यादा डीप गले नहीं पहनती हूँ क्योंकि मेरे को नहीं अच्छे लगते, और फ्रंट से तो बिल्कुल ही नहीं, मेरे को फ्रंट का गला बहुत ही छोटा चाहिए होता है, इसलिए मैं फ्रंट में बहुत ही कम डिज़ाइन वगैरह बनवाती हूँ। तो फ्रंट से मैंने नॉर्मल रखा हुआ है, बैक भी एकदम प्लेन है, बस इस टाइप का वी शेप मैंने इसको दे दी है फ्रंट में। वी से विक्रांत का नेम भी है, चलो इसी बहाने सूट के अंदर भी विक्रांत का शेप आ गई भी। हाँ तो यहाँ पर ये दोनों साइड से मैंने बनवाया हुआ है, बाकी का लेंथ मैं एकदम अच्छी रखती हूँ नीचे तक, क्योंकि लॉन्ग सूट आजकल ज़्यादा चल रहा है तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है। तो फर्स्ट हो गया मेरा ये सूट, पिक्चर अगर होगा तो मैं पक्का साइड में इंसर्ट कर दूंगी। अब बात करते हैं सेकेंड सूट की, तो सेकेंड है मेरा ये वाला सूट। ये भी कहूँगी इसका क्लॉथ बहुत ही अच्छा, एकदम पतला वाला होता है ना साड़ियों वाला जो क्लॉथ होता है वो टाइप का, जब साड़ी वाले सूट में मैंने पहले ही बताया आपको अस्तर लगा के बनवाऊंगा, फिटिंग बहुत ही अच्छी आएगी और पहनने में भी बहुत अच्छा लगेगा। तो ये कलर बहुत ही प्यारा है, आप किसी भी चाहे काली लड़की हो चाहे गोरी हो, मेरी तरह की भी होगी ना, मैं अपने आपको काला नहीं बताती यार, थोड़ी बहुत तो ठीक ही हूँ मैं, तो बस मेरे तरह की लड़की भी होगी तो उस पर भी ये अच्छा लगेगा। और इसका भी फ्रंट एंड बैक का जो गला है वो एकदम मैंने नॉर्मल बनवाया हुआ है, राउंड यू शेप बोलेंगे उस शेप में बनवाया हुआ है। इसका बैक का गला थोड़ा सा बड़ा बनवा लिया मैंने, फ्रंट का बस छोटा है। और उसके बाद आते हैं इसकी स्लिप्स, इसकी स्लिप्स बहुत अच्छी हैं, वो पफ वाली अब आजकल स्लिप्स चल रही है ना ब्लाउज में भी सूट में भी, फिर से कहते हैं ना फैशन जो होती है बार बार लौट फिर के वही फैशन आ जाती है, जो पहले जमाने में देखते थे हम प्लाजो वगैरह और वो, एंड अब वही फैशन फिर से आ गई है, शरारा ये सारी चीज़ें, तो फैशन हमेशा लौट फिर कर आती ही रहती है। तो बस ये मैंने यहाँ पर बनाई है पफ वाली स्लिप्स, और ये पोन यहाँ तक की जो स्लिप्स होती हैं आजकल बहुत ज़्यादा फैशन में चल रही हैं, तो ये उस टाइप की स्लिप्स मैंने बनवाई हैं, दोनों साइड से इस टाइप की स्लिप्स हैं, बहुत ही अच्छा सा लुक देती हैं, पहनकर बहुत ही अच्छा लगा है लगता है। और इसके साथ नीचे मैंने बनवाया हुआ है पैंट, पैंट और लेगिंग्स दोनों भी जो भी कंफर्टेबल हो, तो
दोनों चीज ही पहन सकती हो, तो मैंने दोनों इसके साथ की अने लेगिंग्स भी ली हुई है और इसके साथ का पैंट भी बनवाया हुआ है। नेक्स्ट मैं आती हूँ इस सूट पर। ये सूट गर्मी में तो नहीं पहना जा सकता क्योंकि इसका क्लॉथ थोड़ा बहुत है ना, क्या बोलते हैं यार, मेरे को माइंड में नहीं आ रहा, सॉरी एकदम सॉरी यार, उनको माइंड में नहीं आ रहा, बट होता है ना कि गर्मी में इस टाइप का कपड़ा नहीं पहना जाता, तो उस टाइप का इसका थोड़ा क्लॉथ है, बट मतलब कपड़ा बहुत अच्छा है, अगर आप वैसे भी पहनोगे तो बहुत ही अच्छा सा लुक आता है, एकदम पार्टी, मतलब आप नॉर्मल जो लाइव पार्टी है उसमें भी पहन सकते हो, इसको इस टाइप का लगता है लेकिन बहुत ही अच्छा लगता है। इसमें भी मैंने अस्तर लगवाया हुआ है, बट इसका जो गला है ना बहुत ही प्यारा है, बोट नेक मैंने बनवाया हुआ है और ऊपर का जो पोर्शन है यहाँ पर मैंने अंदर अस्तर नहीं लगवाया, जिससे ऊपर का पोर्शन थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट दिखे और नीचे मैंने अस्तर लगवाया हुआ पूरे में। तो इसका जो बोट नेक है बहुत ही प्यारा सा लुक देता है, पहनकर भी बहुत अच्छा लगता है, बट ज्यादा गर्मी में आप इसको नहीं पहन सकते, विंटर्स में पहन सकते हैं क्योंकि थोड़ा कपड़ा उस टाइप का कि गर्मियों में बहुत ही ज्यादा वो होता है ना यार, खाता है कहते हैं कपड़ा खाता है, बहुत ज्यादा गर्मी लगती है, तो उस टाइप का है, बट अच्छा लगता है, विंटर्स में आप पहन सकते हैं। तो है स्लिप्स, मैंने फिर से इसकी ऐसे कराई है क्योंकि मैं रेडीमेड की जो स्लिप्स आ जाती हैं तो ठीक है, वरना जो अगर मैं स्टिच कराती हूँ तो मेरे को लगता है कि स्लिप्स लगवा ही लेती हूँ उस टाइप की है। तो बस दोनों साइड से इसका फ्रंट एंड बैक दोनों ही एक बराबर का है, कहीं से ऐसा नहीं आगे से छोटा आगे से बड़ा, दोनों एक बराबर रखा है और बोट नेक है, बहुत ही प्यारा लगता है, मैं साइड में पिक्चर लगाऊंगी आप देखोगे उसमें बहुत ही अच्छा लग रहा होगा। नेक्स्ट बात करते हैं इस सूट की, ये भी मैंने कपड़ा लिया हुआ था, मैं मेरे घर गई थी तो मेरा बहुत ही ज्यादा मन था नेट वाले कपड़े का, ये अभी नहीं काफी पुराना सूट है बट बहुत अच्छा लगता है, तो नेट वाले कपड़े का मेरा बहुत ज्यादा मन था क्योंकि मेरे को थोड़ा ऊपर वाली नेक जो होती है ना उस टाइप का सूट सिलवाने का मन था, तो मेरे को मम्मी से था कि नहीं मेरे को नेट वाला कपड़ा ही लेना है कपड़ा ही लेना है, तो फिर मम्मी मेरे को मार्केट लेके गई थी और बहुत ज्यादा ढूंढ के मेरे को फिर नेट का इस टाइप का कपड़ा मिला था, तो मैंने इसको बनाया था एकदम ऊपर वाली जो नेक वाला उस टाइम बहुत ही ज्यादा कि अभी भी बहुत चल रहा है, तो इस टाइप की नेक का, हाँ एक्चुअली मैंने एक फ्रेंड को देखा था उसका सूट बहुत ही अच्छा लग रहा था मेरे को, तो मेरा भी मन था कि मेरे को ऐसा बनवाना है, तो ये इस टाइप की नेक है, पीछे इसमें हुक दिया हुआ है और आगे से आप देख रहे होगे ऊपर नेक है, तो जो जहां तक पूरा मेरे को कवर करना है वहां तक मैंने नेट वो अस्तर लगवाया हुआ है, बाकी का ऊपर ऐसे ही छोड़ दिया क्योंकि वो नेक वाला पोर्शन है। पीछे से इस टाइप का इसने गला दिया है, बहुत ही प्यारा स्लीवलेस है, मैंने इसमें स्लीव्स नहीं लगवाई है क्योंकि ये स्लीवलेस ही बहुत ही अच्छा सा लुक देता है, नीचे तक पूरा अस्तर लगाया हुआ है इस सूट में बहुत, और पहन के इतना अच्छा लगता है यार, सीरियसली बहुत ही अच्छा लगता है पहनकर बहुत ज्यादा, तो ये भी सेम, और इसमें पता नहीं कुछ धागे वाला वर्क हो रखा है इसमें, आप मैं देखोगे आप पिक्चर लगाओगे तो बहुत अच्छा लगेगा, तो ये हो गया नेक्स्ट, बहुत ही प्यारा लगता है तो आप भी जरूर ट्राई करना ये वाला सूट। नेक्स्ट आता है ये वाला, ये थोड़ा कॉटन वाला क्लॉथ है तो इसे मैंने अस्तर नहीं लगवाया क्योंकि कॉटन वाली क्लॉथ में मेरे को नहीं लगता कि अस्तर की जरूरत होती है, बट इस सूट का जो कलर है ना यार बहुत ही अच्छा है, तो मैं थैंक यू बोलूंगी मेरी फ्रेंड ने इतने सारे अच्छे से सूट दिया मेरे को, तो इसका कलर मुझे बहुत ही अच्छा लगता है और मैं ऐसे अब तक शायद 2 या 3 बार पहन भी चुकी हूँ, तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है, तभी आपको इसकी कंडीशन ये दिख रही होगी क्योंकि पहनने के बाद बस मैं ऐसा नहीं है कि हर बार जब भी पहना सूट को वॉश कर देती हूँ तो बस पहनने के बाद मैंने ऐसे ही घुसा के रख दिया तो इसको ऐसा लग रहा है, तो बस इसका जो नेक है, हाँ बता दूँ इसके साथ मैंने व्हाइट कलर का प्लाजो बनवाया है, तो साइड में मैं पिक्चर लगाऊंगी तो उससे आपको पता चल जाएगा कि इसके साथ मैंने किसका चिकनकारी का जो कपड़ा होता है मैंने उससे इसका प्लाजो बनवाया हुआ है, बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि इसके लेगिंग्स भी पहन सकते हो, पैंट भी पहन सकते हो, प्लाजो भी, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। पीछे का ये नेक है, पीछे का एकदम प्लेन नेक है, आगे से थोड़ा इस टाइप का मैंने इसमें शेप दी है नेक की क्योंकि मैं आगे बहुत ही कम, मैंने पहले बताया था कि बहुत ज्यादा नहीं करती हूँ मैं, बाकी का स्लिप्स का ये डिजाइन मैंने कुछ और सोचा था बट उन्होंने ये बना के दे दी, फिर मेरे को लगा यार चलो ये भी ठीक है, मैंने कुछ और ही टाइप का सोचा था, कुछ शिफॉन टाइप से थोड़ा लूज टाइप की होती है, तो वो भी मैं पिक्चर लगाऊंगी कि मैंने ये सोचा था और उन्होंने मेरे को क्या बना के दी, बट ठीक है जब मैंने पहना और अच्छा फिटिंग अच्छी लगी तो मेरे को ठीक लगा, तो उन्होंने यहाँ पर इस टाइप की शेप बनाई हुई है, यहाँ से थोड़ा स्ट्रेट ऐसे करा है स्लिपिंग सा और फिर इस टाइप की शेप उन्होंने बना के दी है, ये भी स्लिप्स मेरी पॉन स्लिप्स हैं, दोनों साइड पर मैंने ऐसा ही बनवाया हुआ है, तो बहुत ही मतलब स्लिप्स का जो डिज़ाइन है ना उसकी वजह से ये सूट और भी ज़्यादा अच्छा लगता है, और कलर तो है ही इसका लाजवाब। तो बस अब मैं अगर बहुत ही ज़्यादा दिखाने बैठूंगी तो आप भी मेरे से बोर हो जाओगे भाई, इतना ही ठीक है, तो बस अब मैं जो भी मेरे बाकी का सूट का कलेक्शन होगा वो मैं आपको दिखाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में, या फिर लहंगा का कलेक्शन, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा सूट कलेक्शन देखना है, आपको मेरा टॉप कलेक्शन देखना है, आपको मेरा वन पीस कलेक्शन देखना है, साड़ी कलेक्शन देखना है, जो भी
विंटर्स कलेक्शन, जो भी आपको देखना है प्लीज 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 कमेंट करके जरूर बताना। और आप किस टॉपिक पर मेरे से वीडियोस चाहते कि मैं इस टॉपिक पर वीडियोस बनाऊं, तो वो भी आप मुझे कमेंट जरूर करना। और इन सारे सूट पर से आपको कौन सा अच्छा लगा वो भी मेरे को जरूर कमेंट करके बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।